Good afternoon, students. Today we are going to discuss questions which I have assigned you yesterday. First question hai hamare paas. Why does the color of copper sulfate solution changes when an iron nail is dipped in it? जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल को डिप करते हैं, as we know that iron is more reactive than copper, so it will displace copper from its corresponding solution and the color of solution changes from blue to green. तो इसका आंसर क्या आएगा? Iron is more reactive than copper, so it will displaces copper from its corresponding solution and color of solution changes from blue to green and copper will deposits on iron nail. So this is कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. दिस इज टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एंड ये क्यों चेंज हो रहा है सॉल्यूशन का कलर? क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है और वो इसके सॉल्यूशन से इसको डिस्प्लेस कर देता है और हमारे पास रिजल्टेंट बन जाता है फेरस सल्फेट सोल्यूशन विच इज ग्रीन इन कलर. और जो कॉपर होता है वो आयरन नेल के ऊपर क्या हो जाता है? वो उसका एक डिपॉजिट बन जाता है, डिपोजिशन हो जाती है उसकी आयरन नेल के ऊपर. नेक्स्ट है हमारे पास given example of double displacement reaction other than given in activity 1.10. so हमारे पास 1.10 activity क्या थी? ये था हमारे पास sodium sulphate solution in test tube and in other barium chloride. बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के रिएक्शन को छोड़ के हमने कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन देना था. अब इसमें तुम ले लो जैसे BaCl2 बेरियम क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन प्लस कॉपर सल्फेट ले लो, ठीक है. कोई भी तुमने ऐसा कंपाउंड लेना जो आयंस में डिसोसिएट होता है और उनके आयंस को एक्सचेंज करना है. बस तुमने फिर ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा BaSO4 सॉलिड प्लस CuCl2 एक्वस. ये आ गया. कोई भी एग्जांपल दे सकते हो तुम, इसके अलावा और भी एग्जांपल दे सकते हो कोई जिसमें कि तुम्हारे आयंस डिसोसिएट होंगे. जैसे कॉपर सल्फेट ले लो, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो, मैग्नीशियम सल्फेट ले लो, बेरियम क्लोराइड ले लो, कोई भी ले सकते हो जिसमें आयंस में वो कन्वर्ट हो जाते होते हैं और वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेंगे हमारे को. थर्ड है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन. सो हमारे पास क्या रिएक्शन है? 4Na प्लस ऑक्सीजन गिविंग 2Na2O. अच्छा, अब हमें पता है कि जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करते हैं उनकी क्या होती है? ऑक्सीडेशन. अब हमारे पास सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है. इट मींस सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हैज बीन रिड्यूस्ड.
ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है रिमूव हो रहा है तभी वो इसके साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट था इसका, CuO प्लस H2 गैस। ये हमारे पास बन रहा है Cu सॉलिड प्लस H2O लिक्विड। अब देखो साथ में तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि जो हाइड्रोजन है वो गेन कर रहा है ऑक्सीजन को, और इसका मतलब हाइड्रोजन हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर हैज बीन रिड्यूस्ड। जो ऑक्सीजन को रिमूव करता है वो रिड्यूस्ड होते हैं, और जो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन को गेन करते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, और जो ऑक्सीडाइज होते हैं दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये इसकी रिडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, और जो रिड्यूस्ड होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, आई होप तुम सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट असाइनमेंट्स दे रही हूं मैं तुम्हें अब, ठीक है, अगर वो नहीं होती हैं वो हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।